स्वागत है दोस्तों टेक न्यूज़ के एक और एपिसोड में। जैसा कि हम अपने वीडियो में बात करते हैं आने वाले मोबाइल और गैजेट्स के बारे में, तो आज भी हम इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज कुछ मोबाइल्स कंपनियों के टीवी भी निकल के सामने आए हैं, तो एमआई और रियलमी के बाद अब कौन कौन सी मोबाइल कंपनी आपको टीवी देने जा रही है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। ये आज की वीडियो की स्पेशल हाईलाइट्स है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज की टेक न्यूज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको आने वाली जो लेटेस्ट टेक न्यूज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे। दोस्तों पबजी ने इस महीने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो पबजी है इसमें चाइना की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। तो पबजी ने इस महीने कमाए हैं कम से कम 226 मिलियन डॉलर, जी हाँ दोस्तों, जो कि भारतीय रुपए के अंदर होते हैं 1.7 हज़ार करोड़ रुपए। तो इसका जो मेन कारण है वो बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण लोग सब घर पे रह रहे थे, इसी वजह से टाइम पास करने के लिए लोग क्या कर रहे थे, ज़्यादातर पबजी खेल रहे थे, इसी वजह से इतनी कमाई हुई है। और किस वजह से हो सकती है ये तो आप सभी जानते हैं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। इसके अलावा पबजी के बारे में एक न्यूज़ और आ रही है कि पबजी अपना एक नया एग्नल्स मैप जल्दी ही लॉन्च करने जा रही है। वैसे तो ये मैप पहले भी लॉन्च किया गया था, लेकिन अब जो नया आएगा उसमें काफ़ी सारे बड़े बदलाव किए जाएंगे, और उसके अंदर जो ग्राफिक्स वगैरह हैं वो भी आपको काफ़ी HD 4K के ग्राफिक्स मिलेंगे। तो ये एक नया बदलाव भी पबजी लेके आ रही है। अब दोस्तों गूगल मैप्स पे आपको सदी के महान नायक, सबके दिलों में राज करने वाले बिग बी की आवाज़ सुनने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जब आप गूगल मैप्स ऑन करते हैं और डायरेक्शंस सेलेक्ट करके देखते हैं तो एक कभी लड़की की आवाज़ आती है, कभी कंप्यूटर की आवाज़ आती है, तो वहाँ पर अब आपको बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ सुनाई देगी। जल्दी ही ऐसी खबर आ रही है कि बिग बी गूगल के साथ टाइप करने जा रहे हैं और उनकी बातचीत हो सकती है। फिलहाल बातचीत हुई नहीं है, चल रही है बातचीत, तो आपको बिग बी की आवाज़ गूगल मैप्स पे सुनने को मिल सकती है। एमआई भारत के अंदर अपने काफ़ी सारे नोटबुक 11 जून को यानी कि कल लॉन्च करने जा रही है। इसके साथ साथ एक और खबर निकल के आई है कि एमआई अपना नया एमआई लैपटॉप प्रो 15 चाइना के अंदर 12 जून को लॉन्च करेगी, यानी कि अगले दिन लॉन्च करेगी। तो इस लैपटॉप में जो एमआई नोट प्रो 15 है जो चाइना में लॉन्च होगा, इसके अंदर आपको 8 GB रैम और 512 GB SSD मिलेगी, और इसके साथ जो प्रोसेसर है वो आपको इंटेल कोर i5 का मिलने जा रहा है। तो अब देखना ये है कि ये एमआई जो नोट 15 है ये भारत के अंदर कब तक लॉन्च हो सकता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सेज चैट के बाद अब ट्विटर ने भी अपना स्टेटस फीचर लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से व्हाट्सएप फेसबुक पे आप 24 घंटे के लिए कोई भी स्टेटस लगा सकते हैं और 24 घंटे के बाद वो अपने आप डिलीट हो जाता है, फिर आपको दोबारा से कोई स्टेटस लगाना पड़ता है, उसी प्रकार से अब ट्विटर भी एक नया फीचर्स लेके आई है जिसमें आपका जो स्टेटस है वो 24 घंटे के लिए रहता है और उसके बाद वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, तो आपको फिर से वो रीसेट करना पड़ता है। तो ये फीचर्स ट्विटर ने फिलहाल लॉन्च किया है। अगर आपने रेडमी नोट 9 प्रो को इस सेल में मिस कर दिया है तो Redmi Note 9 Pro की अगली जो सेल है वो 16 जून को Amazon पे होगी। तो मैं बता दूं कि इस मोबाइल में आपको 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज मिलती है, जो कि आपको सिर्फ 13,999 रुपये में मिल रहा है। तो आप ध्यान रखिए 16 जून को अच्छे से, उस समय इसकी नेट सेल होने वाली है। अगर आप ध्यान नहीं रख सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो 16 जून को सुबह ही आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि आज इसकी सेल होने वाली है और आप आसानी से इसे खरीद पाएंगे। HP ने अपने दो लैपटॉप्स आज भारत के अंदर लॉन्च किए हैं। ये हैं HP 14S Intel Core i3 और HP 14S Intel Core i5। तो ये दो फ़िलहाल भारत के अंदर आज लॉन्च किए गए हैं। इन लैपटॉप्स के साथ Jio का ऑफ़र भी दिया जा रहा है, जिसमें आपको 1.5 GB डाटा जो प्रतिदिन मिलता है ये 6 महीने तक बिल्कुल फ्री मिलेगा, और इन लैपटॉप्स की जो शुरुआती कीमत है वो 44,999 रुपये। तो अलग अलग रैम और SSD के अंदर ये अलग अलग प्राइस में है, मैंने शुरुआती कीमत आपको बता दी। Xiaomi दोस्तों मोबाइल्स और टीवी के बाद अब अपना इलेक्ट्रिक टूथब्रश वो भी लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा बताया जा रहा है कि इस टूथब्रश का जो प्राइस है वो 549 रुपये है, यानी कि 549 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। और इसका जो बैटरी बैकअप दिया गया है वो बताया गया है 30 दिन का बैटरी बैकअप,
तो ऐसा बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कोलगेट और ओरल बी ने अपने इलेक्ट्रिक टूथब्रश लॉन्च किए हुए हैं, तो उनकी टक्कर में ये लॉन्च किया गया। हालांकि कोलगेट और ओरल बी के जो इलेक्ट्रिक्स टूथब्रश हैं वो इससे थोड़े सस्ते हैं, तो देखते हैं आखिर किसकी मार्केट ज़्यादा सही है। इसके बाद मैं दो मोबाइलों के बारे में बता देता हूँ जो आज लॉन्च किए गए हैं। एक तो है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस, जो कि पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ आज लॉन्च किया गया है। तो इस मोबाइल के अंदर आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज मिलती है। प्रोसेसर इसमें आपको स्नैपड्रैगन 730 का मिलता है और बैटरी आपको 5000mAh की मिलती है। तो इसका जो शुरुआती कीमत है वो 25,400 रुपये है। इसके अलावा वीवो ने भी अपना वीवो Z5X लॉन्च कर दिया है, आज ही इसे लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के अंदर ये मिलते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 का दिया गया है और बैटरी आपको 5000mAh की मिल रही है। तो इसका जो शुरुआती प्राइस है वो है 15,000 रुपये। तो ये मोबाइल आज लॉन्च किए गए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं लॉन्च होने वाले टीवी के बारे में, कौन कौन सी मोबाइल कंपनियां टीवी को भी लॉन्च करने जा रही हैं। तो MI, Realme और Nokia के बाद अब Oppo भी अपना स्मार्ट टीवी जल्दी ही लॉन्च कर सकती है। फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि Oppo जल्दी ही अपना स्मार्ट टीवी लेके आ रही है। तो जल्दी ही वो सामने आ जाएगा और पता चलेगा कि हमें किस प्राइस में और इसमें क्या क्या मिलने जा रहा है। इसके अलावा OnePlus ने भी अपना स्मार्ट टीवी लॉन्च करने की घोषणा कर दी है और इसे 2 जून को लॉन्च किया जाएगा। तो OnePlus के प्राइस और साइज़ के बारे में कुछ चीज़ें पता चली हैं, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। ऐसा बताया जा रहा है कि OnePlus के 2 स्मार्ट टीवी लॉन्च किए जा सकते हैं 2 जुलाई को, जिसमें से एक 32 इंच का होगा और दूसरा 43 इंच का होगा। इनकी जो शुरुआती कीमत होगी वो 20,000 के समथिंग होगी। कंपनी ने ये जानकारी खुद प्रेस के साथ साझा की है। तो अब देखना ये है कि इस प्राइस में Realme और MI को कितनी ज़्यादा कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि OnePlus ने पिछले साल भी अपने टीवी लॉन्च किए थे, जो कि OnePlus Q1 और OnePlus Q1 Pro थे, लेकिन उनका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई था। उनका प्राइस 69,900 से स्टार्टिंग था, लेकिन इस बार OnePlus ने अपने बजट टीवी लॉन्च किए हैं। तो अब देखना ये है कि कैसे ये टीवी मिलते हैं और इनके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूवी का तो आप सभी को पता है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, कैलिफोर्निया कंपनी है और काफ़ी दिनों से इसने भारत के अंदर अपने पैर जमाए हुए हैं। इसके अधिकतर प्रोडक्ट जो हैं वो फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, लेकिन आज यूवी ने अपने 4 टीवी लॉन्च किए हैं जो कि आपको अमेजन पर मिलेंगे। तो मैंने जो भी इस वीडियो में आपको चीज़ें बताई हैं उनके अधिकतर लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और इन टीवियों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आप खरीदना चाहें तो एक बार चेकआउट करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो यूवी ने आज अपने 4 टीवी लॉन्च किए हैं, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच, ये 4 टीवी आज लॉन्च किए हैं। चारों के चारों जो टीवी हैं ये 4K टीवी हैं। तो इनका जो प्राइस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो 43 इंच का है इसका प्राइस 25,999 रुपये है और जो 50 इंच का है उसका प्राइस 28,999 रुपये है और जो 55 इंच का है उसका प्राइस 32,999 रुपये है और 65 इंच का जो टीवी है उसका प्राइस 48,999 रुपये है। तो 65 इंच के इस टीवी का प्राइस काफ़ी कम रखा गया है, जो कि मार्केट के अंदर मौजूद अन्य टीवी से काफ़ी कम है। तो मैं आपको बता दूं कि यूवी काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसके जो टीवी आपको मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के मिलते हैं, जो कि टक्कर देते हैं सैमसंग और LG के काफ़ी महंगे टीवी को। तो इस प्राइस में ये लॉन्च हुआ है तो मार्केट के अंदर काफ़ी तहलका मचने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस टीवी में आपको 2GB रैम और 16GB स्टोरेज मिलती है। इसके साथ साथ कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, वाईफाई, क्रोमकास्ट जो हैं वो सब दिए गए हैं और आप इस टीवी में अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल प्ले इन सभी को चला सकते हैं। ऑलरेडी ये जो ऐप हैं प्री इंस्टॉल इसके अंदर मिलते हैं। तो इसकी सेल अमेजन से स्टार्ट हो रही है, तो आप अमेजन पर जाकर इन्हें खरीद सकते हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये थी दोस्तों आज की टेक न्यूज़। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, आपको इस सवाल का जवाब आई बटन पर क्लिक करके पोल पर हमें देना है। तो आज का जो सवाल है ये है कि आपको कौन सा टीवी सबसे बेस्ट लगता है। मैं आपको 5 ऑप्शन दे रहा हूँ,
जो कि आपको आई बटन पे मिलेंगे, आप वहाँ पर क्लिक करके उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो 5 टीवी हैं ये हैं MI, Realme, Samsung, LG और UV। तो आपको बताना है कि इनमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगता है। आपके पोल के अनुसार जिसका रैंक पोल में सबसे ज़्यादा होगा, मैं अगली वीडियो में टॉप 5 उसी कंपनी के टीवी लेके आऊँगा और बताऊँगा कि उस कंपनी के कौन कौन से 5 मोस्टली टीवी आपको बजट प्राइस में मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।